Hey, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT math exercise 5.3 question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22 term is 149. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या गिवन है? डिफरेंस जो कि है 7 और हमें गिवन है A 22 टर्म जो कि है 149. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें S22 यानी कि 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. इट मींस हमें n दिया हुआ है 22, ठीक है, और ये हमें S22 फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैं जो कि हमें लास्ट टर्म ये दी हुई है एंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एंड 22 टर्म इज 149, ठीक है, ये हमें गिवन है. इसको सॉल्व करते हैं. ए 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 21 डी. ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सो ए प्लस 21 डिफरेंस गिवन है 7, 149. इसको सॉल्व करते हैं. 149 इज इक्वल टू 147 प्लस ए, ये माइनस में कर देते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2. ए की वैल्यू 2 आ गई. अब हम अपना SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल. ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने हमारे पास हो. तो 22 टर्म का निकालना है, सो एन हो गया हमारा 22 बाई टू. ए हमें हमने फाइंड आउट कर लिया 2 और लास्ट टर्म हमें गिवन है 149. ए 22 लास्ट टर्म हमें गिवन है ना. एल एल को हम ए एन भी लिखते हैं एल को. सो एस 22 ये हो गया 11. 149 प्लस 2 151. सो एस 22 की टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 155 इंटू 11 1661. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. आंसर इज 1661. एक्सरसाइज 5.3. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.